साथियों, तो इस समय हम सबके पास सोशल मीडिया ही एक ऐसा हथियार है जिसके तहत हम आप सब तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और इसी माध्यम से ही हम आप सब तक आवाज पहुंचाएंगे और आप सभी धरने पर पहुंचेंगे। मैं चाहता हूं सभी लोग एक बार दिखा दें, आप सब देखिए कितनी रात्रि को हम सब पत्थर गिरजा घर पर इतनी रात्रि में हम सब धरने बैठे हैं। हमारे अधिकतर साथी बीमार हो चुके हैं। आज अनवरत धरने का दूसरा दिन है, दूसरी रात्रि है। आप यहाँ पर रात्रि में 2 मिनट भी नहीं रुक सकते, इतना मच्छर काट रहे हैं। मौसम से, लोग बुखार से, संघर्ष करने से हर स्तर एकदम अस्वस्थ है। हम सब एक भाई की तरह साथ दे रहे हैं आप सबका। क्यों दे रहे हैं कि भाई करो या मरो जैसी स्थिति है, करो जैसे मरो जैसी स्थिति है। और बेसिक विभाग यही चाहता है कि 24 से पहले कोई प्रोटेस्ट ना हो और हम 2027 तक इनको बेरोजगार रखेंगे। अरे भाइयों, इसी से समझो कि कब आपने 2019 को उम्मीद की, क्या मिला आपको? 2022 में उम्मीद की, लाठ के डंडे से लेकर हर चीज खाई, क्या मिला आपको? नौकरी मिली? नहीं मिली। लिखित आश्वासन के बाद भी भर्ती का विज्ञापन ये जारी नहीं किए। 24 का चुनाव नजदीक है यार, आप सब एक उम्मीद से धरना दे रहे हैं कि अगर 24 में बेसिक विभाग ने, शिक्षा मंत्रालय ने अगर रिक्त पदों का डाटा दिया है कि 1,26,000 पद रिक्त है, तो आप सब हमको बताइए इनको भर्ती देना चाहिए कि देना नहीं चाहिए? देना चाहिए। नौनी वालों के भविष्य सब दिलवाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समाज में युवा ही देश का पहचान होता है, युवा ही देश की ताकत होती है। जब युवाओं को आप अशिक्षित करेंगे, आज 1,26,000 पद रिक्त है। हर देश एजुकेशन बेस्ड पॉलिसी अपने देश में लागू करता है। हमारा भारत देश एजुकेशन को पीछे छोड़ रहा है। भक्तवाद, चंदनवाद, हिंदुत्ववाद, यही चलेगा? अरे हमको एरोप्लेन से उड़ना है, गोबर नहीं खाना है। हमको एक शिक्षित, समझदार, विकासशील और विकासशील देश श्रेणी में लाना होगा। यहाँ भारत देश में अरे इतने टैलेंटेड युवा है, उनकी प्रतिभा है, लेकिन उनको एक सही मार्ग नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति विदेश में जाके नौकरी करता है। बीटेक में आते फॉरेन चले जाएंगे, वहीं पे नौकरी करेंगे, जो भारत में रहना जाना चाह रहे हैं यहाँ के युवा, क्योंकि आप सब रोजगार देते नहीं हो, मानसिक तनाव में रख दियो। डिग्री डिप्लोमा लेता है, मेहनत से, ईमानदारी से व्यक्ति पढ़ता है और पढ़ने के बाद बेरोजगारी तरह ऐसे जैसे हमारे साथी, हम सब स्कूल आसमान फुटपाथ पे बैठ करके भर्ती मांग रहे। आज ये स्थिति परिस्थिति है, घर वालों ने कर्जा लेकर के डीएलएड बीटीसी करा दिया। बीटीसी कराने के बाद हम सब टेट सीटर दिए, अब इलाहाबाद में आए तैयारी करना शुरू किए, सोचे भर्ती आएगी। 5 साल बिता दिए, भर्ती कोई अता पता नहीं। 8 साल 2024 आने को है, भर्ती कोई उम्मीद नहीं है। और शिक्षा मंत्री जी रटा रटा बयान, अनपास समान पद। अरे यार, मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री से, ये मंत्री और संतरी से, आप बताइए भाई, सुप्रीम कोर्ट में आप कहते हो शिक्षा मंत्री, शिक्षा मित्र आयोग है, सहायक अध्यापक का दर्जा नहीं मिलेगा, सहायक अध्यापक का दर्जा नहीं दिया गया है, उनको सहायक अध्यापक जैसे तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो आप ये विधानसभा में क्यों मुजरा करते हो? बार बार आप मुजरा करते हो भाई?
जो मुजरा करते हो बोलते हो शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापकों को मिला करके हमारा अनुपात समान पात बराबर है। अरे आपको गाय का दूध पिलाओ बकरी को दूध पिला दिया जाएगा तो अंतर है कि नहीं है? पढ़े लिखे हो फॉरेन से आप एजुकेशन लेकर आए हैं, हम सब तो बहुत खुश हुए थे कि भाई संदीप सिंह जी फॉरेन से पढ़कर आए हैं एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, बहुत खुश हुए थे भाई हम। चलो सतीश द्विवेदी जी अनुपात समान पात वाले हटे, ये मंत्री आए कम से कम नई शिक्षक भर्ती देंगे, ये तो वोटो की जाने तो बाज नहीं आ रहे, ये तो रोज फोटो पेन लगाकर ऐसे फोटो ऐसे फोटो। अरे भाई हम तुमको फोटो खिंचाने के लिए मंत्री नहीं बनाए हैं, आपको एजुकेशन पॉलिसी में सुधार उनकी कमियों को दूर करने के लिए बनाए हैं और एजुकेशन में ननिहालों को शिक्षकों की कमी की वजह से बेस्ट एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा का अभाव हो रहा है। फॉरेन कंट्री ने भी बताया कि भारत में एजुकेशन पॉलिसी बहुत खराब है, शर्म तो नहीं आई कि भारत देश का कितना बदनामी हो रही है। तो शिक्षा मंत्री जी डेंगू से पीड़ित हो, मेरा प्लेटलेट जा रहा है गिर रहा है, हम सब बीमार है, ठंडी लग रही है, कुछ होता है जिसके जिम्मेदार आप होंगे। एकदम स्पष्ट खुले मन से कह रहा हूँ, मेरे किसी साथी को कुछ होता है जिसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि हम सब आपसे नई शिक्षक भर्ती मांगने के लिए 5 साल से लड़ रहे हैं, आज मानसिक तनाव से गुजर चुका हूँ, मेरा मनोबल एकदम गिर चुका है। मैं उन साथियों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अरे घर से निकलो बाबू, इससे ज्यादा भाव नहीं जोड़ पाऊंगा मैं, मुझे नहीं पता था कि ये डीएलएड बीटीसी कर करके नाक रगड़नी पड़ेगी, हाथ जोड़ना पड़ेगा, पैर पकड़ना पड़ेगा, नहीं मैं भीख मांग लेता इस डीएलएड करके, इधर ठोकर नहीं खाने की मन है मेरा। ये सब एजुकेशन आयोग को 2019 से गठित कर रहे हैं, आयोग आज तक गठित नहीं कर पाए, नई शिक्षक भर्ती के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कहते हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री जाते जाते बोला हम भर्ती देंगे, नया वाला आया फिर अनुपात समान पात चला दिया। साथियों कहीं ना कहीं हमारी आपकी गलती है, स्वीकार करना होगा हमको आपको, बिल्कुल किसी के फूफा किसी के चाचा टिकट दे देते हैं, किसी पार्टी से टिकट ले लेंगे, हम सब रोजगार मुद्दा नहीं देखेंगे, अपना व्यक्तिगत मुद्दा नहीं देखेंगे, शिक्षक भर्ती मुद्दा नहीं देखेंगे, फूफा जी हैं ठप्पा मार के चले आएंगे और फूफा जी 5 साल जीत जाते हैं और इससे ताली बजवा के जिंदगी नरक कर देते हैं, आज जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई हम सबकी, इस फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है यार, 2020 में 1 महीना 2 महीने सोए बर्बाद, हमारी पूरी शरीर बर्बाद हो गई, आज डेंगू से पीड़ित हूँ यार मैं, इतना हालत खराब है, कल धरना हजारों की संख्या में, आज भी धरना बहुत भीषण हुआ, बेसिक विभाग के काम चोर अधिकारी मिलने तक नहीं आ रहे, कह रहे मैं मिलने जाऊं, मैं क्यों हुआ यार, जब मैं डीएलएड किया था आवेदन आपने ऑनलाइन लिया था, नहीं लेना था आपको ऑनलाइन, नहीं करते डीएलएड, बोल दो कि डीएलएड जो एडमिशन ले रहे हो 2023 में कान को नोटिस जारी करो, सचिव परीक्षा नियामक बोलो कि डीएलएड करने के बाद कोई जो गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी दे, जिसको करना वो करेगा नहीं तो नहीं करेगा, ये स्थिति तो नहीं आएगी। अरे हम सब यार मास्टर बनने के लिए आए थे, मास्टर बनने आ गए थे, सोचे थे घर वाले बोले नौकरी मिल जाएगी, हमको क्या पता था बाबा जी आएंगे घंटी दे देंगे घंटी बजाएंगे 5 साल हम। मैं बहुत दुखी हूँ भाई, मैं तो बहुत दुखी हूँ, पहले जैसा मेरा भरोसा तो नहीं रह पाया, मैंने तो डीएलएड पीटीसी सबको कभी मैं कभी आज तक मैं झुका नहीं था अपनी लाइफ में, मेरा इतिहास है कि रजत सिंह किसी ने व्यक्ति सामने झुका नहीं था, और 2012 से मेरा इतिहास अमेरिका जी ने काम किया, लेकिन आज सारा झुकना पड़ रहा है, एक एक नेताओं से लेकर एक एक कोचिंग संस्थानों के पास फोन कर रहे हैं भैया धरने में आइए भीड़ बढ़वाइए, क्योंकि बहुत सारा समय हो गया, एक उम्र हो गई है, एक उम्र के बाद अब अच्छा नहीं लग रहा है इलाहाबाद में रहना, भाई दोस्त यार आपके जो है ना वो कहीं ना कहीं सेट हो गए, आपके बीच का एक दोस्त जब नौकरी पाके चला जाता है ना
तो मन एकदम यार दिल दर्द तो दुखी तो जाता है, एक तरफ खुशी तो होती है लेकिन एक तरफ यार अकेलापन भी है यार। माँ बाप जब बिगड़ जाते हैं उम्मीद से देखते हैं यार क्या हुआ नौकरी का, क्या हुआ नौकरी का, क्या बताए नौकरी का कि हमारे बाबा जी की सरकार है 10 साल सत्ता में रहेंगे, पता नहीं 10 साल तक नौकरी मिलेगी ना मिले। 7 साल तो बीत गया 2024 2027 तक उम्मीद किए थे यार। हाथ छोड़ रहा हूँ इलाहाबाद वालों और प्रदेश के हर जिले वालों, शर्म करो, हमारे साथी इतनी रात्रि में धरना स्थल में बैठे हैं, एक बार दिखाओ कितनी रात्रि में 8 लाख लड़कों की साथियों की लड़ाई को इतने लोग रात्रि में रुक के धरना दे रहे हैं, प्रशासन क्या समझेगा, ये 8 लाख लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं, 800 लोग रात्रि में नहीं रुकना चाह रहे हैं, दिन में आएंगे बढ़िया सफेद कपड़ा पहनेंगे नेता लोग, लाइव चलाएंगे टीआरपी लेंगे भाग जाएंगे, धरना चले या ना चले, जो बच्चे दूर दूर से आए हैं खाना खाए या ना खाए, रुके या ना रुके, वो तो गए, अब धरना तो मैं वहां से हूँ, नौकरी हमको चाहिए भाई 17 बैच से हूँ, 17 बैच एक भी भर्ती नहीं देखा, एक भी भर्ती नहीं देखा, आवेदन तक नहीं किया, नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बहुत दर्द है। ये सब उम्मीद से आए कि मेरी उम्मीद से आए कि भाई मैं धरने पे जा रहा हूँ तो रे भैया कुछ न कुछ ध्यान देंगे, मैंने अभी पूरा कर्तव्य निभाया, करोड़पति घर का नहीं हूँ भैया, सीधा बोल रहा हूँ, करोड़पति घर का होता मैं मास्टर नहीं बनता, बिजनेसमैन बढ़िया बन जाता, चुनाव लड़ता, जब इतना लाठी डंडा संघर्ष करने की क्षमता होती तो चुनाव लड़ता, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, हम सब साथियों को खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, समोसा मंगाया गया, बिस्किट मंगाया गया, बेतलरी की पानी काली बोतल देके पानी मंगाया मैंने, अरे यार तुम सब इतना मैं मान सम्मान दे रहा हूँ, आप सब धरने में 6 बजता 7 बजता चले जाते हो, ये 35 लोग 40 लोग रात्रि में रुकेंगे, मच्छर कटवाएंगे, बीमार होंगे, इससे धरना सफल होगा, प्रशासन आएगी गिरफ्तार कर कुछ कर गई तो कौन जिम्मेदार होगा, हम भी किसी माँ बाप के घर के लड़के हैं, तीसरा फुटपाथ पे अकेले सोएंगे, ये दूर दूर से लड़के आए साथी आए भूखे हैं, खाने की व्यवस्था करना है, दिन भर चिल्लाना है, एक छात्र का मोबाइल खो गया धरने में, उसकी जिम्मेदारी हुई, सभी संघर्षशील साथियों से मदद मांगी, उसको पैसा दे करके मोबाइल दिलवाने का प्रयास किया गया, यार मैं छात्र साथी को बहन मान करके उनकी मदद कर रहा हूँ, छात्र साथी को भाई मान समझ कर रहा हूँ, छोटा हो जाए बड़ा हो भैया कह रहा हूँ, जी कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको इसलिए सम्मान दे रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि हम गए वहाँ पे रजत भाई ने कुछ सम्मान नहीं दिया, साथ नहीं दिया, कुछ खिलाया नहीं, कुछ पिलाया नहीं, भूखे थे, बताइए मैंने कोई कमी किया क्या, कोई कमी किया, मैंने यार यही चीज मुझे नहीं समझ में आ रही, मुझे यही जवाब चाहिए आपसे, मैं जब कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, आपके गार्जियन स्वरूप हो करके इतनी रात्रि में धरना दे रहा हूँ, हर ख्याल रख रहा हूँ, रात 4 बजे की स्थिति आज बता रहा हूँ मैं, यहाँ सब साथ में थे, हालत मेरी जो थी कंडीशन जो मेरा था ना, इनसे पूछिए मैं कांप रहा था, डेंगू को पेशेंट हूँ इस समय, दवा खा करके अभी डॉक्टरी परामर्श लेकर के इलाज लेकर आया हूँ, किस लिए आया हूँ, 8 अक्टूबर आने वाला है, या तो डेंगू से मर जाओ या तो भर्ती नाने से बेरोजगारी से मर जाओ, मरना तो एक चीज से ही है, तो भाई लड़के लाखों लोग के साथ अपने लिए भी मरो, दवा खाया देखो सबके साथ बातचीत कर रहा हूँ, ठंडी लग रही थी ये देखो जोश है पसीना आ रहा है, ये देखिए दवा के साथ साथ आपसे बोलने का संघर्ष का पसीना है, ये डेंगू को भी हम मात दे देंगे अगर आप भीड़ हो जाएगी, साथियों सब लोग केवल आएंगे 10 मिनट बैठेंगे, कुछ कोचिंग संस्थान आएंगी 10 मिनट बैठेंगी उसके बाद चली जाएगी, अरे बच्चों को हाल लो, यूट्यूब पे लाइव चला, जब तक चला खत्म गो, बच्चों को लंबा चौड़ा सोशल मीडिया, मैं बच्चों के लिए संघर्ष किया, मैं बच्चों के लिए संघर्ष, अरे बच्चे तो नकार रहा है
वो घर से बैठ के लाइव देख रहे हैं। जब तक लाइव चलेगा तब तक आप सोचोगे वहां अध्यापक है, सोचोगे धरने तो भाई सारे नेता और सारे टीचर हैं। आपको क्या पता आएंगे बैठेंगे लाइव चलाएंगे, लाइव खत्म, जितनी देर लाइव चला उतनी देर धरना चला, वो उठे गायब हो गए। बच्चे भी जब धीरे धीरे देखते हैं सोचते हैं कि यार बताइए, वो भी भाग जाते हैं। बताइए 40 लोग रुक रहे हैं रात्रि में यारी को, ये पत्थरगढ़ चिड़ियाघर में धरने में 8 लाख लोगों की लड़ाई कैसे होगा, कैसे होगा? प्रश्न का जवाब नहीं दे पाओगे। सरकार तो यही चाहती है 5 किलो राशन में 2 GB डाटा में आपको सिम खो दी है। जान रही सोशल मीडिया, चिल्लाओगे सोशल मीडिया उन्होंने बैन कर दिया। ज्यादा लोग हम बात फैला, हमारा फेसबुक बंद कर दे रहे हैं, हर सोशल मीडिया ये रिपोर्ट करके बंद कर देते हैं, हमारी आवाज जाते पहुंच ही नहीं पा रही है। और आप सब भी है देखेंगे छोड़ देंगे, जैसे लग रहा है कोई मुजरा चल रहा है यहाँ पर, ये मुजरा चल रहा है देखो हटाओ, रील चल रही है रील खत्म हो हटाओ। अरे जिम्मेदार नागरिक बनो, जो महिला साथी नहीं आ सकती धरने पर, कम से कम उनसे तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, वो कम से कम इस वीडियो को अपने कोचिंग के ग्रुपों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में स्टेटस लगाएं, सोशल मीडिया पे डालें, कम से आपके स्टेटस लगाएं, जिसको क्षमता होगी जो आने के लायक होगा वो तो धरने में आएगा। अधिकतर लोग कहते हमारी आपकी आवाज हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती। पेपर में छप रहा है, टीवी देखोगे टीवी में चल रहा है, यूट्यूब देखोगे यूट्यूब पे चल रहा है, पेपर पढ़ोगे पेपर में चल रहा है, मुजरा देखोगे रील्स देखोगे उसमें भी चल रहा है। अरे भाई आसमान से बिजली गिरा दे घर घर, तब आपको लगेगा धरना चल रहा है। देखो बहुत सीरियस और जरूरी मुद्दे में बात कर रहा हूँ, 8 अक्टूबर बोला हूँ, 8,000 की भीड़ का हाथ, 800 की बात नहीं कर रहा हूँ, 8 लाख की लड़ाई है ये। दबाव बनाओ, इको गार्डन भरो, पत्थर गिरजा घर भरो, कहेंगे वहीं से कमेंट करके लखनऊ चलो दिल्ली चलो, कहा जाए दिल्ली कहा जाए लखनऊ, 40 लोग के लेके बैठेंगे इको गार्डन में, 5 लाख की संख्या धरने में वहां पहुंचती है, 5 लाख की संख्या जब 2 लाख की संख्या इको गार्डन में प्रभावित नहीं कर पाती है, तो 25 लोग 50 लोग 800 लोग से धरना चला पाएंगे, भीड़ दिखा पाएंगे, ये सरकार चुकाओगे? विधायक संसद तो बोल रहे हैं बुलडोजर चला दे रहे हैं, विपक्ष बोल नहीं पा रहा है, मीडिया चला नहीं पा रही है, मीडियो को ऐसे हाथ जोड़ करके मैंने निवेदन किया, तब आप ये एबीवीपी यूपी तक अन्य हिंदुस्तान अमर उजाला जितने भी वरिष्ठ यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल ट्विटर हर जगह जो वायरल हो रहा है हाथ जोड़ने से हो रहा है, नहीं कोई मुद्दा नहीं उठाएगा, प्रशासन आती है आग से आंसू तक आने की कगार आ जाती है। एक मर्द जल्दी उदास नहीं होता है न रोता है, बहुत विकट परिस्थिति होती है तब वो रोता होगा, एक अश्रु उसके गिरते होंगे। तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं इलाहाबाद के साथ, 2 बजे तक आप चाय पीने निकलते हो सिविल लाइन लेकर हर जगह, आ जाओ धरने में बैठ जाओ, महिला साथी 12 बजे आइए और 6 बजे जाने वाला काम मत करिए, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये पिकनिक इको गार्डन है, कंपनी गार्डन नहीं है कि आप 12 से 6 आए टाइम पास करके चले गए, आना है तो सुबह 6 बजे सुबह आइए और 6 बजे जाइए, मैं खुद विदा करूंगा। लेकिन लेकिन ये आप सोच रही होंगी कि हम 12 बजे आए 5 बजे जाए, 3 घंटे का योगदान मत दो बहन, आपका 3 घंटे का योगदान हम कहां लेके जाएंगे? जो छात्र साथी है आप रात्रि भर रुको, नहीं वैसे भी तुम दिल्ली मुंबई जाओगे 5,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, आप घर घर ट्यूशन पढ़ाने जाते हो 1,000 रुपए के पास, कोई आपको देता है ना ट्यूशन पढ़ाने का? सवाल जवाब करता है आप, इतना तो आपके माता पिता ने आपके पीछे 10 लाख रुपया खर्चा कर दिया, 2 लाख डीएलएड में 8 लाख किराया 5 साल का इलाहाबाद में, वो इतना हिसाब किताब नहीं किया बेचारा, वो अपना जमीन मेहनत इसलिए कर रहा है आगे आने वाली नस्लें हमारी संतानें जीवन सुखमय बिता ले, इसलिए संघर्ष कर रही है। साथियों हाथ जोड़ रहा,
पैर पकड़ लो, पाओगे एक एक लोग का पैर पकड़ चरण बंदन करके आप धरने पर। 8 अक्टूबर के बाद क्या मतलब है यार, बजट पारित हो जाएगा, जितनी भर्ती आनी है उसके बजट पारित हो जाएगा, भर्ती उसकी आना है, उस दिन सरकार चुनाव लड़ लेगी। प्राथमिक में बेसिक में प्राथमिक कोई भर्ती नहीं आएगी, वो अनुपात समानुपात वाले मंत्री फोटोबाज मंत्री सीधा कह देंगे ऐसा है, अनुपात समानुपात बराबर है। उनको भी दया नहीं आ रही है, जैसा लग रहा है कि राजकोष से वही पैसा दे रहा है। एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार फॉरेन कंट्री योगदान दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, तब भी ये हालत है इनकी। बताइए 1,39,000 बेसिक विभाग में उन्होंने पद समाप्त कर दिया, तब भी 1,26,028 पद रिक्त, तब भी सुबह नहीं रहे, गला बैठ गया, गला जो गला है बहुत बैठ गया ताकत। मैं चाहता हूँ भैया ये अनुपात को बहाना है, शिक्षा को हथकड़ी लगाना है। तो भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, अनुपात समानुपात तो एक बहाना है, असल मुद्दा तो इनका अग्निवीर जैसा शिक्षा वीर को बनाना है, इसलिए हाथ जोड़ रहा हूँ। आ जाओ धरना स्थल पर, साथियों को एक बार नारा लगवा दो, भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 1, 2, 3, 4 चक्रवर्ती दे सरकार, 1, 2, 3, 4 दे सरकार, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। जारी करो, जारी करो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। नारा लगाइए, एक दो तीन चार, शिक्षक भर्ती दे सरकार, शिक्षक भर्ती दे सरकार, शिक्षक भर्ती दे सरकार, शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती दे सरकार। हम सब राज्य जैसे स्थिति परिस्थिति रहेगी, हम सब जैसी स्थिति से अवगत कराएंगे। मैं यार महाराज नहीं तो आप मेरे परिवार के सदस्य हो यार, मैं अपनी पीड़ा अपने परिवार के लोगों को नहीं बताऊंगा, किससे बताऊंगा। अगर मेरे किसी बात से आप नाराज हो, कोई शब्द आपको चुभे हो, मैं उससे हाथ पैर जोड़ के माफी मांगता हूँ। आप सब परिवार सदस्य थे, इसलिए मैं आप सबसे अपनी पीड़ा बोला, बस उम्मीद करता हूँ कल 5 बजे आप लोग अधिक संख्या में शिक्षक भर्ती करने में आ जाएंगे। अर्थात मीडिया बंद वीडियो को बंद कर दें, जय श्री।